ने ऑस्ट्रेलिया को बाहर कर दिया इंडिया ने और सीधा जा रहे हम लोग सेमीफाइनल खेलने इंग्लैंड के खिलाफ। भाई जो वर्ल्ड कप 2023 का बदला था, 19 नवंबर का बदला था, वो फाइनली आज पूरा हो चुका है एंड सक्सेसफुली इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को अपनी साइड से तो बाहर कर दिया है। अब अफगानिस्तान की टीम क्या करेगी बांग्लादेश के साथ वो देखने वाली बात होगी। तो यार जल्दी से कर लो चैनल को सब्सक्राइब और आ जाओ नोनो मीम्स देखते हैं। 19 नवंबर ना भाई, 19 बॉल 50 हेड भाई, आपसे आज कुछ हो ना सका मतलब मैच जीतने की बात करो ठीक है, वो आज हम लोग जीते हैं। मैं जा रहा हूँ गाइस, इंडिया जीत जाए तो उठा देना वरना आज फिर दफना देना। चुप हो जा मेरे भाई, उठ जा। ये है खुशी मनाने का मौका, जीत गए मेरे भाई। मतलब काफी ज्यादा अनएक्सपेक्टेड था, लग तो नहीं रहा था कि जीत जाएंगे बट कर दिया बंदों ने। इसकी कमेंट देखो, उठ जा भाई उठ जा, ट्रैविस हेड गया। नीचे वाले की कमेंट है, इंडियन पेसर शुड लर्न फ्रॉम नवीन उलक हाउ टू गेट हेड आउट। बाप बुमराह को सिखाएगा तू हेड को कैसे आउट करते हैं। भाई 19 नवंबर की ना जाके फिर से एक बार हाइलाइट्स देख लो, इतने बार एज लगते लगते बचा था वो हेड, बस भाई के साथ लक था। पर आज ना मुन्ना ना भाई, गॉड्स प्लान भी देखो। उस दिन रोहित शर्मा का कैच ट्रैविस हेड ने लिया था, इस बार बॉल बुमराह ने डाली, ट्रैविस हेड ने बॉल हवा में मारी और कैच लिया रोहित शर्मा ने। गॉड्स प्लान बेबी, विन इज स्वीट बट रिवेंज इज स्वीटर। भाई अगर इतना मीठा रिवेंज होता है ना तो हर साल दिया करो इंडिया। पर रुको, अगर ऐसा चाहिए तो पहले हार्ट ब्रेक भी कराना पड़ेगा। देखो इंडियन टीम बहुत हार्ट ब्रेक हो गया, अब जीत जाओ बहुत हो गया। क्यों आता है अंधेरा ताकि आ सके सवेरा। वाह 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 वाह, कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि कहना चाहते हैं कि डेडमैन सेस को इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर लो, क्योंकि इंस्टाग्राम के ऊपर हम लोग रोज वॉच अलोंग कर रहे हैं मैचेस के और अभी भी करेंगे सेमीफाइनल और फाइनल में। तो मेरा आईडिया deadman_b3, लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर। इंडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम व्हेन इट कम्स टू आईसीसी टूर्नामेंट इन लीग स्टेज। रियल में तो अब चल होगा असली वर्ल्ड कप, अब पता चलेगा हम लोग कितने पानी के अंदर। मेरे लिए वर्ल्ड कप तो आज से चालू होना था, मैंने तुम लोग को ऑलरेडी क्लियर कर दिया। ये था हमारा पहला बड़ा मुकाबला जिसमें ऑलमोस्ट जान यहाँ तक आ चुकी थी पर बचा ली बुमराह भाई और रोहित शर्मा ने। और हाँ मीम आए ना आए पर रोहित शर्मा ने क्या पारी खेली है मेरे भाई। दिस इज व्हाट यू कॉल अ कैप्टन्स नॉक। रोहित भाई आपको सैल्यूट है ऐसे खड़े होके। मैं बैठा हुआ हूँ बट यू गेट माय पॉइंट राइट। इंडिया विल प्ले सेमीफाइनल लास्ट ब्रेकिंग ओवर वर्सेस इंग्लैंड, क्या बात कर रहे हो मेरे भाई। इसी टॉपिक पे रील डाली है deadman_b3, फिर से एक बार प्लग इन कर रहा हूँ। बंद करो हाथ जोड़ के मैं। पर भाई इंग्लैंड के खिलाफ सेमीफाइनल क्यों, इन राक्षसों के खिलाफ ही क्यों लगना था। पर वैसे ऑप्शन भी क्या था, सामने साउथ अफ्रीका आ जाती वो भी अनबीटन। इंडिया एंड साउथ अफ्रीका जो दोनों भी अनबीटन है, किसी एक की स्ट्रीक तो टूटनी ही है। इट्स लाइक अंडरटेकर वर्सेस अंडरटेकर, दोनों में से किसी एक की स्ट्रीक तो टूटेगी ही टूटेगी। अब दोनों भी टीम्स के अंदर ब्रॉक लेसनर कौन बनेगा वो देखने में काफी मजा आएगा। तुम्हें क्या लगता है कमेंट्स में अपनी ऐश्वर्य राय दो। आई प्रेफर नो ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड कप फॉर बेटर कम। भाई अगर वर्ल्ड कप जीतना है द फर्स्ट थिंग यू गॉट टू डू इज नॉक आउट ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया वाले, ये न्यूजीलैंडी हमें चाहिए ही नहीं। और एक बड़ा शत्रु था हमारा वेस्ट इंडीज, वो भी बाहर चला गया, बचा ही कौन है इंग्लैंडी। देखो अभी खाली 170/0 हमें रिपीट नहीं कराना है और बाकी सब आराम से हो जाएगा। अफगानिस्तान से डरने की बात है नहीं, साउथ अफ्रीका भी चोक कर ही देगी ऐसा लग तो रहा है अंदर से। हर सिर्फ है जिसके साथ लगी है सेमीफाइनल। इंग्लैंड वालों क्या करने वाले हो, सच सच बताना। प्रो नीड्स थ्रीसम, WTC क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, ना मुन्ना ना ये ना होना। पहले सुबह का गेम होने दो और अफगानिस्तान को नॉकआउट करने दो बांग्लादेश को, फिर मैं ओवर कॉन्फिडेंस दिखाता हूँ परसों वाली वीडियो में। This MDC has a beautiful wife, still he chooses to have Indian bowlers every time. क्या दुश्मनी है तेरी हमारी देश से। WTC में मैन ऑफ द मैच, वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच, अभी यहाँ पे मैन ऑफ द मैच ऑलमोस्ट लेके गया ही था तू। अफगानिस्तान वालों कह रहा हूँ अगर हार गए ना मां कसम मेरे से बुरा कोई नहीं होगा, बात लिख के ले लो तुम लोग ये व्हाइट पेपर के ऊपर। आई मे नॉट शो इट बट काश हेड का बाप उस दिन सो जाता। दिन नहीं इट्स रात। नथिंग पर्सनल मेरे भाई, ऑल मीम नॉलेज, समझ रहे हो तुम। रोहित भाई सेंचुरी होने वाली हो तो हिटिंग नहीं करते पागल, सिंगल लेते अपने लिए खेलते। रोहित भाई क्या खेल रहे थे यार, 40 बॉल्स में कुछ तो 90 प्लस बना दिए, ऐसे थोड़ी खेलते हैं। 40 बॉल्स में तो बाबर भाई अपनी 50 लगाते हैं। ऑल आईज ऑन अफगानिस्तान, लेट्स गो बॉयज। अफगानिस्तान वालों अगर हारे, फिर से एक बार कह रहा हूँ, अगर तुम लोग हारे पता नहीं मैं क्या करूंगा पर कुछ तो करूंगा, हारना नहीं है। आइए देखते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट था। थोड़े 10-20 रन कम यहाँ वहाँ हो जाते फिर तो बात खत्म थी मेरे भाई। आजा स्टार्क तुझे वर्ल्ड कप वॉलीबॉल डलवा तो। टेक्निकली उसने डाल दी, उसी ने रोहित शर्मा को आउट किया बट 29 रन कोई नहीं भूलेगा। मिचेल स्टार्क एक बात सच सच बताइए, हेडबैंड लगा के बॉलिंग करने को आने की क्या जरूरत थी। ये जो भी हेडबैंड लगाते हैं ना, माकिया खूनी, ये इतिहास में ऐसे लिखा गया है। टोंडो एक बार
बार लिस्ट बनाओ कमेंट्स में कौन से बॉलर्स हेडबैंड लगा के आए और उनका करियर ऐसे बर्बाद हो गया है। इनफ ऑफ 2023 वर्ल्ड कप फ्लैशबैक्स, हैव सम ऑफ 2015 एज वेल। विराट भाई ये क्या शॉट थी, मतलब मैं क्या कह रहा हूँ, बाकी लोगों का मैं समझ सकता हूँ, विराट कोहली को क्या हुआ है, कोहली भाई के रन क्यों नहीं बन रहे, बाकी सब लोग ने रन बना दिए विराट भाई। अरे वो छोड़ो, वो जडेजा ने पैट कमिंस को छक्का लगा दिया, जडेजा जो कभी खेलता नहीं उसने आज छक्के लगा दिए, दुबे ने लगा दिए, आप जीरो के ऊपर कैसे। कोई नहीं चीकू, आज मैं ही नहीं देखता हूँ, राजस्थान रॉयल्स एडमिन इज ऑलवेज ओपी। व्यक्तिगत दुश्मनी है, बदला तो हम लेंगे, काफी ज्यादा व्यक्तिगत दुश्मनी है, क्योंकि हर्ट जो हुआ था, दिल टूटा था मेरे भाई, मेरा इंतकाम देखेगी। आई स्वेयर टू गॉड, अगर कॉपीराइट का इशू ना होता ना, ये गाना लगा के अभी नंगा नाच देता, बट कोई ना, यहाँ पे नहीं नाच सकता, टेलीग्राम के ऊपर नाच सकता हूँ, आ जाओ टेलीग्राम के ऊपर, लिंक के डिस्क्रिप्शन के। भाई क्या गंदे प्लगइन्स कर रहा हूँ आज, कुछ तरीका है भीख मांगने का। वो कहते हैं ना, देयर इज नथिंग मोर डेंजरस देन अ ब्रोकन मैन रीबिल्डिंग हिमसेल्फ, बिल्कुल सही कहते हैं। हमारे कप्तान साहब को तुमने हर्ट किया था ना, आज कप्तान साहब ने तुम्हारी कमर तोड़ दी। फिर से रोहित भाई का शो देखने का सपना सपना रह गया है। रोहित भाई क्या कर रहे हो आप, यू मेड मी क्राई, आई विल श्योरली गेट बैक एट यू मेरे भाई, ऑलवेज रिमेंबर कर्मा इज अ बी। अभी बोल नहीं सकता, वो कैसा है रिश्तेदार आजकल वीडियो देखने लगे है ना, तो नहीं बोल सकता। Dashing so good, even clouds started crying. भाई वो बारिश की वजह से थोड़ा बहुत मोमेंटम टूटा यार, मतलब रोहित शर्मा का टूटे ना टूटे, ऋषभ पंत का जो थोड़ा बहुत बन रहा था वो भी टूट गया। क्या करते हो यार, बारिश देवता ऐसे नहीं आना होता बीच में, आना है तो सेमीफाइनल के मैच के दिन आ जाओ ना, वॉश आउट हो गया, हम लोग चले जाएंगे फाइनल में। 220 IQ तुम समझ नहीं रहे हो मेरे भाई। इसकी कमेंट देखो, रोहित भाई ये छक्के सेमीज और फाइनल्स में नहीं लगे तो देख लेना, सीधा धमकी। मतलब एक होता है बोलना, फिर होता है रिक्वेस्ट करना, यहाँ पर सीधा धमकी, नो दीनी मान। आई इन रोहित स्टैंड्स फॉर इंटेंट, अरे रोहित भाई का मैं समझ सकता हूँ, बट विराट कोहली में जो आए है वो इंटेंट के लिए नहीं है। देखो विराट भाई, सेमी या फिर फाइनल कहीं एक जगह पे कोलैप्स होना पक्का है, आपको खड़ा रहना पड़ेगा दूसरे एंड के ऊपर, तो प्लीज ये इंटेंट बिंटेंट का चक्कर छोड़ दो, बाकी लोग है ना मारने को। स्टार्क भाई अभी नहीं आउट करना था, हाँ जैसे वो स्टार्क तेरी ही सुन के आउट करते है ना, वाह भाई मस्त मस्त टेक्निक एकदम प्रॉपर। सम 90s आर बेटर देन 100s, एग्जैक्टली माय पॉइंट, काय को सो मारना है, अगर देश जीत रहा है ना तो बहुत है। मेरे हिसाब से जो आज रोहित शर्मा ने पारी खेली, दैट्स आइडियल T20 पारी, ऐसे खेलनी होती है T20, दिस इज हाउ इट्स डन। हर इम्पोर्टेंट मैच में अंपायर बन जाना इज नॉट फनी, काई को आता है रे तू बाबा, अभी हार भी जाता तो क्या हो जाता, काई को आता है तू, क्या तेरे को इंटरेस्ट क्या है हमारे देश में। कमेंट देखो, इसकी शक्ल दिखाई और कोहली आउट हो गया, तो विराट कोहली ने गलत शॉट खेला ये नहीं बोला, इसकी शक्ल देखी इसलिए आउट हुए, सो ट्रू मेरे भाई। व्हाई डू वी फॉल सर, सो दैट वी कैन लर्न टू पिक आवरसेल्व्स अप। भाई बहुत ज्यादा ज्ञान हो गया, थोड़े डैंक मीम्स देख ले रे, एलके ले ले अपना 19 नवंबर का बता, ले लिया, ये बीच मैच में मीम्स नहीं बनाने होते। हाँ भाई, कौन है जो 19 नवंबर की हार का बदला लेने आया, हम हैं इंडियंस, और ले भी लिया। साइड हटो संजना, आज हेड को बिठाऊं मैं, जैसे ही बोलता हूँ डैंक मीम सीधा हम लोग 18 प्लस कैटेगरी में कैसे चले जाते हैं रे, बहुत तंग किया, चला वॉक पर। अब कोई तो कमेंट्स में वो ज्ञान देने आ ही रहा होगा ना, ऐसा पूरा पैराग्राफ लेके। अबे साले, दो बार बोल चुका हूँ, दिस इज नॉट एनालिसिस चैनल, दिस इज अ मीम रिव्यू चैनल, डैंक वाले मीम्स भी आएंगे उसमें। हैशटैग बदलापुर वर्ल्ड कप से वर्ल्ड कप तक, भाई ये तूने बनाया है ना मीम, और किसने बनाया, ये राजस्थान रॉयल्स के एडमिन, आई मीन ऑफ कोर्स हु एल्स देन हिम, कांग्रेचुलेशंस इंडिया फॉर विनिंग द मैच, आई मीन ऑफ कोर्स ये मीम तो बनना ही था, ये मीम इस चैनल का ही पूरा टेम्पलेट बन चुका है। इट्स हिम अगेन, द सुप्रीम गॉड। बुमराह जी आपके चरणों में मेरा कोटि-कोटि प्रणाम। बिफोर द वीडियो एंड्स एक बार फिर से बोलता हूँ, अक्षर पटेल का वो कैच, अक्षर पटेल की वो विकेट, और कुलदीप भाई की बीच वाली बॉलिंग, वो भी उतनी ही इंपॉर्टेंट थी इंडिया के विन के लिए। अभी कोई बोलो मत कमेंट्स में कि ये कैसे नहीं बोला, सब बोला है मैंने, सब कुछ कवर करता हूँ, वीडियो पूरी नहीं देखते तुम्हारी गलती। ऑस्ट्रेलिया को औकात दिखा दे, रुको जरा, अभी पहले अफगानिस्तान जीतेगा फिर ही मैं इतना बुरा ट्रोल करूंगा ना, देख लेना तुम लोग। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, दिस इज योर वाइफ हेड भाई, नॉट दिस। अबे भाई चुप हो जाओ, जाने दो उस हेड को, हो गया वो एलिमिनेट। जहां मैटर पड़े होते हैं वहां हम खड़े होते हैं, बुमराह यू ब्यूटी, बुमराह भाई ओपी तो बनता है, रोहित भाई ओपी भी बनता है, कमेंट्स के अंदर एक हाथ डेडमैन से ओपी भी बनता है अगर हो सके तो। या नो नो, आ जाओ इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर, दोनों भी लिंक्स मैंने देख रखे हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी लास्ट के दो वीडियोस नहीं देखे स्क्रीन के ऊपर आ रहे होंगे, जाके अभी के अभी देख लेना, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू, प्यार करते रहो, बाय बाय इंडिया ओपी।